वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस। वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। अभी रेखा और मेरे लिए बन रहा है अनार का जूस, तो मैं वही लगा हूँ। तो तैयार है अनार का जूस बनने के लिए। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बनाते कैसे हो, कौन से जूसर है, आपको बता दूँ। इधर देखा हुआ हो, ये फ्लिप्स का जूसर है, जो कि मेरे ख्याल से 9,000 11,000 का आता है, इसके बीच का ही है, या 7,000 का फ्लिप्स का जूसर है। तो इसमें हम डालेंगे अनार। तो अब बन रहा है वाटरमेलन। ये वही वाटरमेलन है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाला था बी नेचुरल फ्रेंड्स ने, तो ये मैं कतई नहीं पीऊंगी। आई हेट कोल्ड ड्रिंक तो बाहर निकल गया था ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है। सस्ता भी यही पड़ा। वेलकम बैक। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने कमेंट्स पढ़े कि लोग कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत कम लग रही है। हाँ, उस दिन मेरी एनर्जी थोड़ी कम थी क्योंकि प्रिंस नहीं थे और उनकी याद में मैं आधी हुई जा रही थी, लेकिन अभी प्रिंस है तो मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ, मैं हष्ट पुष्ट खाना खा रही हूँ और भरपूर पोषण से अपने आप को भर लिया है। तो आई एम फुल ऑन एनर्जेटिक, आई एम बैक एंड आई एम फाइनली फिट। सो थैंक्स फॉर योर लवली कॉमेंट्स। और आई एम सॉरी अगर मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को थोड़ा सा बोर कर दिया होगा, तो आज के ब्लॉग में आप बिल्कुल भी बोर होकर नहीं जाने वाले हो। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैंने बी नेचुरल का वीडियो भी शूट किया है, थोड़ा सा शूट करना भी रहता है जो कि थोड़ी देर में मैं फिनिश कर लूँगी। इससे पहले कि मैं आगे आपको शूट दिखाऊं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज की रेसिपी क्या है रेखा की रसोई में। लोग कह रहे हैं कि आप अलग से रेसिपी का चैनल खोलो, पर इतने सारे चैनल संभाले नहीं जाते। 3 चैनल संभाल रही हूँ, वही बहुत ज़्यादा है। आपको पता है ना हमारे 3 चैनल है, एक तो ये जो आप देख रहे हो हमारा व्लॉग चैनल बी नेचुरल, जहाँ वीमेन हेल्थ एंड हाइजीन फैशन वीडियोस गर्ल्स रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ मैं, और एक बी बिंदास से जो प्रिंस फनी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। ओके, तो चौथा रेसिपी का चैनल खोलना मेरे बस की नहीं है, तो मैंने सोचा है कि व्लॉग में ही रोज घर में क्या खाना बन रहा है, क्या हष्ट पुष्ट खाना मैं खा रही हूँ अपने और आने वाले बेबी के लिए, मतलब जो कि आएगा, जो गुड न्यूज मैं आपको दूंगी, प्लानिंग जो हमने स्टार्ट कर दी है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो आज देखते हैं रेखा की रसोई में क्या है। और हाँ, मेक श्योर वीडियो पॉज कर लो और कमेंट जरूर छोड़ के जाओ, क्योंकि आपका कमेंट वीडियो के एंड में फ्लैश करूंगी आपके नाम के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की रेसिपी। बाय, आ जाओ किचन में मेरे साथ। वेलकम टू माई रसोई। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप अपनी किचन टूर भी दो, किचन में क्या सामान है क्या नहीं देखना चाहते हो, मतलब कुछ कॉमेंट्स आए थे। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके बताओ, किचन टूर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे कुछ खास नहीं है, आम किचन है, ये है, ये है, दिख रहा है, बाकी सब जो नॉर्मल घरों में होता है, किचन में जो जरूरत का सामान होता है वही है। एक्चुअली उतना खास नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब जूम इन करते हैं और आपको एक एक करके सारी रेसिपी दिखाती हूँ। तो चलो गर्मा गर्म छोले की रेसिपी देख लेते हैं। साथ ही साथ प्लीज कॉमेंट करके मुझे बता दो कि क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैंने जितने लोगों से भी पूछा ना, सब यही कहते हैं कि जो मर्जी है वो खाओ ना खाओ। थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ। एक पपीता नहीं खाना वो तो मुझे पता है, और क्या क्या नहीं खाना अगर आप लोगों को पता है तो बताओ। ठीक है, तो गाइज ये थी गर्मा गर्म छोले आलू गोभी मटर की रेसिपी।
मेरे घर में जब भी खाना बनता है तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि एक ग्रेवी हो और एक सूखी सब्जी हो, एंड देन चावल हो, कभी कभी दाल, और हेल्दी हो घर का खाना, शाकाहारी हेल्दी फूड। तो आप बताओ आज आपने क्या खाया, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, दिखाने से पहले मैं एक्चुअली आपको हेयर केयर के बारे में एक टिप देना चाहती हूँ। कई बार दे चुकी हूँ, नए सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप हेयर वॉश करते हो ना, तो शैम्पू को डायरेक्टली स्कैल्प पे लगाना थोड़ा अवॉइड कर दो। बालों को पहले पूरी तरीके से गीला कर लो और अपने शैम्पू में मिक्स कर दो वाटर। वाटर और शैम्पू मिक्स करने के बाद आप अपने स्कैल्प पे लगाओ, और उसके बाद बस 5 मिनट मसाज दो, उसके बाद उसको रिंस ऑफ कर दो, पानी से धो लो नॉर्मल। फिलहाल मैं आपको एल्फ गुडनेस के कुछ शैम्पू दिखा रही हूँ जिसके अंदर टी ट्री है, जिंजर और एग है, जो कि मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है। टी ट्री वाला डैंड्रफ दूर करने में हेल्प करता है। पैकेजिंग पंप बॉटल में है, बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी आपको मिल जाती है। जितने शैम्पू दिखा रही हूँ सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वाला प्योर हनी का है, कंडीशनिंग शैम्पू है, ये नेचुरल है, सॉफ्टर आपके बालों को बनाने में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये कोकोनट और आमंड वाला शैम्पू है। तो आप देखो आपके बालों की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके बालों का टाइप क्या है, उसके हिसाब से आप ये सारे शैम्पू सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस ये छोटे छोटे क्यूट बॉटल में आते हैं, आप इसको टेस्टर बॉटल भी बोल सकते हो, कि वो बहुत सस्ते हैं, आपको बहुत बहुत सस्ते दाम पे मिल जाएंगे। एंड आप ये छोटा बॉटल ट्राई करके देखो, आपके बालों को सूट कर रहा है, सही लग रहा है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है और अच्छी पैकेजिंग भी है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। चाहे हनी हो, टी ट्री हो और आमंड हो, मेथी वाला हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन्हीं सबका लिंक मैंने दे रखा है। अप टू 30% ऑफ प्लस 10% कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सैमसंग का टीवी है, पूरा सील पैक है, और मैं देखता हूँ अंदर से सही है कैसा है। अभी लगाने के लिए जा रहे हैं टीवी कैबिनेट पे, तो अभी खोलते हैं। सो गाइस यहाँ पे प्रिंस नए टीवी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये वाली टीवी हमारे बेडरूम के लिए मंगाई है, और ये साइज में छोटा है जो हॉल में टीवी है उसे कंपेयर करें तो ये काफ़ी टाइम पहले मंगा ली थी, पर लगाने वाले भैया अभी आए नहीं थे, आज आए हैं तो उनके सामने अभी ये खोला है, तो टूटी नहीं है, सही सलामत है। ये दूसरी टूटी वाली हॉल की टीवी जो गिर के टूट गई थी ना, ये वो वाली टीवी है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया ये ऐसे ही टूटा पड़ा हुआ था फर्श पे, आज ये भैया आए हैं ठीक करने के लिए। तो ठीक क्या करेंगे, इस पुरानी टीवी जो टूट गया है गिर करके, मतलब कभी सोचा नहीं था मैं इतनी बड़ी टीवी लूंगी और वो इतनी जल्दी टूट जाएगी, दिल बड़ा दुखा मेरा। तो इन्होंने कुछ तो ये नट ढीले करके निकाला है इसके अंदर से, और स्पीकर टाइप का कुछ निकाला है, बाकी ये पूरी टीवी वेस्ट है, ये पूरा टीवी वेस्ट हो गया हमारा। तो उन्होंने पूरी नई की नई टीवी लगाई है। ये टीवी पहले हमने नीचे रखा था, बाद में आपके कमेंट आए तो हमने इसको ऊपर हैंग कर दिया। हे गाइस वेलकम बैक। प्रिंस की तबीयत बद से बदतर हो गई है, बहुत बुरे हाल हो गए हैं। दिखाती हूँ आपको, ये कपड़े नहीं पहन पा रहे क्योंकि पिंपल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। एंड देन सेम डे हमने पेस्ट कंट्रोल वाले भैया को भी बुलाया था, तो हमने मेंबरशिप ले रखा था पेस्ट कंट्रोल का, 1 साल में 3-4 बार वो आए, और उन्होंने ये ऐसे जेली से डाला कुछ बंदूक से, और इसके बाद मेरे घर में एक भी कीड़ा नजर नहीं आता है। स्टार्टिंग में जब हमने शिफ्टिंग की थी ना पुराने घर से नए घर में, तो उस शिफ्टिंग के सामान में एक आध कीड़े आ गए थे, कॉकरोच आ गया था, तो मैंने पेस्ट कंट्रोल करा लिया था तभी। वो दिन है और आज का दिन है, घर में एक भी कीड़ा कभी नजर नहीं आता है। और आपको तो पता है मैं हाइजीन फ्रीक हूँ, मुझे जब घर में कीड़े मकोड़े गंदगी ये सब तो कोई पसंद नहीं है। कसम से बताऊंगा भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, लड़के लोगों मैरिज होने वाली हो या हो चुकी हो, कान पकड़ लो यार, प्लीज 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 कभी लाइफ में वैक्स मत अगर करो। आपकी स्किन ओवर ओवर सेंसिटिव होती है तो उन दो सब बार के ओवर लिए। बोला है तो समझ जाओ कितनी हाँ। ज्यादा। मैंने मना किया था प्रिंस को, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, हालत खराब हो जाती है यार, इतना बड़ा घर मेंटेन करना, वही हालत खराब है, उसकी देखभाल करना, कभी कुछ खराब हो जाता है कभी कुछ खराब हो जाता है, इसलिए पेस्ट कंट्रोल कराया। अब 6,000 रुपये में 1 साल की सर्विस मिलती है, 1 साल में 3 बार विजिट करते हैं, चार चार महीने के कैप में करते हैं, और मान लो एक कॉकरोच नज़र आ जाए, या छिपली तो यहाँ है ही नहीं इस घर में, ना पुराने वाले घर में छिपली थी, एक कॉकरोच नज़र आ जाए और क्या करते हैं, वो जेली सी लगाते हैं किचन के वार्डरोब वगैरह में, डोर के पीछे जेली लगाई है, बाकी स्प्रे पूरे घर में किया है, कोई कॉकरोच चींटी कुछ नज़र नहीं आता।
कि आप लोग भी पेस्ट कंट्रोल करवाना, अगर आपको लगता है आपके घर में कीड़े मकोड़े या कुछ भी होना तो काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, तो हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, पहले क्या क्या न्यूज़ में हो रहा है यार, देश में क्या क्या हो रहा है। ये देखिए। ओके, तो प्रिंस दिखाएंगे। ये देख लो, ये इस टीवी का बैक कवर कह सकते हैं, पूरा चेंज हुआ है। लोगों ने बोला कि लोकल टीवी है इसीलिए टूट गई। लोकल टीवी है, अरे भाई ये बताओ, टीवी मतलब कोई भी है यार, प्लास्टिक या लोहे का बना होता टूट जाता है यार, टीवी गिरेगा टूटेगा ही ना, उसमें लोकल की क्या बात आ गई है। ये हो गया, कुछ तो कुछ भी बोलते हैं। अरे पता नहीं हम क्यों बोल। और बताइए ये कौन सी टीवी, लाखों की थी, लाख की टीवी थी आपको। हाँ, डिस्काउंट हाँ, हमें ये पड़ा था, बट 75,000 का, पर इसकी MRP है कितनी, 1,00,000, 1,00,000 से ऊपर ज्यादा, 1,00,000 से ऊपर का, ये तो लाखों का नुकसान ही, तो पूरा ये जो पीछे हमने बनवाया था वो पूरा वेस्ट हो गया, उसको हटा के अभी बालकनी में रखा है। एक तरह से पूरा घर ये पूरी, इतना कुछ करना पड़ता है समझाने के लिए। ये देखो, ये पीछे का हिस्सा है टीवी का, टीवी का नहीं पूरा टीवी है, फ्रंट ही है ये भाई। हाँ। ये देखो, और ये टीवी लगा हुआ है जो ठीक कर, ये टूट के गिरा था और रिपेयर कराया हमने 35,000। अब ये मैं समझता कि गिरा है टूट कर, तो टूटा क्यों नहीं है, इसके अंदर लिक्विड स्क्रीन होती है वो डैमेज होगी, मतलब जब ऑन करके, मैंने ब्लॉग पे दिखाया था जब ऑन करके देखा ना, तो अंदर पूरे क्रैक्स वगैरह आया हुआ है, जो आपको ऐसे आपको नहीं दिख रहा, क्रैक्स आए हुए हैं इसमें। वैसे अब वो हमने व्हाइट वाला हटा दिया है टीवी कैबिनेट, अभी ऐसे भी बताओ कैसा लग रहा है। बस एक प्रॉब्लम आ रही है, ये तारें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, अब इसको कैसे हाइड करें, तो कुछ है कुछ दिया है, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ऐसे बहुत गंदा लग रहा है। कुछ प्लास्टिक की रस्सी आती है ना, उससे बांध के पीछे घिसका देंगे। मास्टर बेडरूम का भी यही हाल है, वहाँ से भी तारें गिर रही है, उसको भी सेट करना है। आओ, कैसे आम जगह नहीं है, ऐसे करो ना ट्रैपर को बंद, तू तो गया बिल्कुल ऐसे हो जाते, यूज ही करना नहीं आता, गिरा दे। देखो देखो चिल्लाए मुझ पे, देखो दुनिया वालों आपको लगता है मेरे पे चिल्लाते नहीं है, देखा ये फ्रेंड्स ऐसे चिल्लाते हैं मुझे, दिखाओ। देखो मैं दिल्ली क्या गया, पीछे से पूरा काजू डब्बा खा गई, रहने दो बाबू तुम्हें आराम ही रोते, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू, काजू खा गई लड़की भाई, इतना डब्बा फूलता, मैं पीछे से क्या गया, पीछे से तुमने ये किया, काजू खा गए। अब सच बताओ, अब सच बोलो। मैंने ही खाया, रेखा ने एक भी नहीं खाया। काजू, हलवा, गाजर, मिठाई, मीठा, सब चीनी, चीनी बोल लो। और साथ ही साथ प्रिंस एक और चीज लेके आए हैं, जो कि है फ्रिज। फ्रिज लेकर के आ गए हैं वो, और ये लाइफ में काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। हाँ। मैंने मना करने के बावजूद भी फ्रिज लेके आए, और फिर मैंने वापस करवा दिया, मैंने वापस कर दिया, फिर फ्रिज लेके आए हैं, और इस बार फ्रिज इतना सा फ्रिज लेके आए हैं, और शायद मैंने ब्लॉग में दिखाई नहीं दिया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सामान रखा है, कैमरे की चीज है, बाकी पूरा सेटअप तो लगा हुआ है, और रात को खुलता है फिर जाता है इसमें। वो तो आप बता दिया मेरे मना करने के बावजूद, वीडियो का दुख आया मुझे यार, कोई वीडियो नहीं जा पा रही उस पे, कपड़े पहन दो काफी पसीने आने लगते हैं, फिर इचिंग होने लगती है, मतलब कई जगह क्या करें आप। मैंने मना किया था प्रिंस को वैक्स ना कराए, फिर भी मेरे मना करने के बाद भी वैक्स करा लेते, यही होगा ना। और अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आगे बताओ क्या हुआ, टेस्ट वेस्ट कराए, तो मैंने तो अपना सारा टेस्ट करा लिया, मैं सही हूँ अभी। मैंने टेस्ट के लिए वैक्स कराया था, मैंने कराया ही नहीं। तुमने टेस्ट के लिए वैक्स कराया था? अरे मजाक में बोला था यार, मैंने वैसे करा लिया था, क्योंकि वो बाल हटाए थे ना उस करवा चौथ के लिए, एक बार हटाए तो बहुत गंदा लगता था, मैं हटा चुके बाल आ भी नहीं रहे। तुमने बोला बाल हटाए थे ना करवा चौथ के लिए, अब सोचो कोई नया सब्सक्राइबर होगा जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी, वो क्या सोचेगा। मैंने जो बेबिंदास की वीडियो पे कॉमेडी वीडियो डाली थी करवा चौथ, उसके लिए मैंने लड़की बना था, और घर पे मैंने बुलाया था पार्लर वाले को, वहां पर यहाँ से बाल हटाए गए थे, जो कि ढाई तीन महीने हो गए हैं, वो बाल नहीं आए थे, बहुत गंदा लग रहा था, खुद को देख के गंदापन महसूस हो रहा था, मैं कहा हटाए लेते हैं, अच्छी बात है ना, बाल नहीं आते तो, मैं ठीक है मैं हटा दिए, मैं कहा वही कर दो बॉडी वैक्स,
और ठीक है अब किया तो जब तो दर्द हुआ थोड़ा लाल भी हुआ। किसने कमेंट करके बोला ट्राई कर ले, तो ट्राई तो मैं कर चुका था ना, वो भी रिका वैक्स था, तब ये हाल है भाई। उसके बाद तो फिर दर्द हुआ, फिर जो हुआ तो सबके सामने है। ये सच में जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है प्रिंस की, और जिसका भुगतान वो भी करेंगे और मैं भी करूंगी, क्योंकि प्रिंस की बॉडी पहले छूने में बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी लेकिन अभी बहुत हार्ड। अब दोबारा कभी नहीं कराओगे ना, तो ये बाल हार्ड ही आएंगे फिर। ट्रिम सबसे बढ़िया, ट्रिम करता रहूंगा मैं 10 दिन हफ्ते में ट्रिम करता। 10 दिन, 2 दिन में बाल आ जाते हैं हार्ड हार्ड। मेरे तो नहीं आए भाई अभी तक, अभी तक यहाँ आए नहीं, देख लो। वैक्स कराती है लड़कियाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन ओवर ओवर सेंसिटिव है तो फिर नहीं करा सकते आप। यही बस यही बात थी, बस यही बात थी। हाँ अच्छा, बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं खाने में दीदी ये मत बनाओ वो मत बनाओ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करो कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है कंफर्म, क्या ट्राई कर रहे हैं? जो व्लॉग देख रहे हैं उनको पता है हैशटैग प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है हमारे चैनल पे, बहुत से कंफ्यूज है। पहले हम लोग नहीं कर रहे थे, जो जो रीजंस थे बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी। अब हम दोनों एग्री हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, गर्ल बॉय दोनों प्रेग्नेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़की प्रेग्नेंट हो। ठीक है तो उसके लिए मतलब ऑफकोर्स हम लोग कर रहे हैं, तो टेस्ट वेस्ट हमने कराया है, चेकअप करा लिया है, मैंने अपना करा लिया है, और जो जो डॉक्टर ने बोला था कमियों को पूरा करने के लिए, मैं अब डेली दिन में 2 से 3 बार जूस पी रही हूँ, अनार चकुंदर गाजर सारे जूस वगैरह पी रही हूँ। मतलब पूरी तरह केयर की जा रही है, जैसे छोटे बच्चे केयर की जाती है। हाँ। रेखा की केयर मैं कर रहा हूँ, रेखा खुद भी कर रही है। तो एयरपोर्ट पे कैसे मिस हो गया, फ्लाइट कैसे मिस हुई? मैं जब दिल्ली यहाँ से मुंबई से मैं दिल्ली गया था फ्लाइट पे, मेरा लगेज नहीं था, छोटा सा बैग था जो कि प्लेन में मैं ले जा सकता था। मैं लाइन में लगा, तो मैंने वेब चेक इन कर लिया था, मैं लाइन में लगा तो जो काउंटर में मैडम थी उन्होंने बोला कि सर आपका कोई लगेज है? मैंने कहा नहीं लगेज नहीं है। सर आप लाइन में क्यों लगे, आप वैसे ही जा सकते थे, आप इतनी देर लाइन में क्यों खड़े थे? मैं कहा मुझे पता नहीं था, थैंक यू आपने बताया। तो हंसने लगी। अब ये कई कॉमेंट करेंगे पहली बार जा रहा था, और मैं कम से कम 25-30 बार जा चुका हूँ फ्लाइट से, पर नहीं पता था, हर बार बैग ही होता है साथ में। अब ये पता लग गया कि मैंने बात आपसे आप शेयर करी, इसमें वो कोई गिल्टी नहीं है, मेरी झंड हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ भी कहो, पर ये है कि जो गलती हुई आपके साथ ना हो। बताते हैं। दूसरा ये मुझे हंसी तो आई, बाद में मुझे लगा कि अरे यार मैं 2 घंटे पहले क्यों आया, मैं तो 45 मिनट पहले काउंटर बंद हो जाता है और वो तो वहाँ भीड़ होती नहीं, वेब चेक इन में आराम से ले जा सकता हूँ मैं। पर फिर भी मैं मेट्रो से ट्रेवल किया मैंने, फिर ऑटो पकड़ा, फिर मेट्रो गया, लास्ट में ऑटो से फिर मैं लेट हो गया 5 मिनट के चक्कर में, वहाँ पर वो फिर वेब चेक इन हो नहीं रहा था। उन्होंने कहा सर आपको कम से कम 45 मिनट पहले चेक इन कर लेना चाहिए था, तो उसमें रह गया। और आज तक मेरी फ्लाइट मिस नहीं हुई, कभी भी नहीं। एक पीछे बड़ा रीज़न ये मिस क्यों नहीं हुई, हर बार जब मैं दिल्ली से मुंबई आता हूँ मुझे पापा ड्रॉप करने आते हैं, और वो उनका रूल ये है कि समय से उठो, समय से सारे काम करो, और मान कर चलो तूफान आएंगे, गाड़ी पंचर हो जाएगी, चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सड़क पे आप चलते हो समझो दुनिया वाले जो आसपास है वो पागल है, कभी भी गाड़ी आपको ठोक सकते हैं, तो आपको बचते हुए और बचाते हुए लोगों को समय पे पहुंचना चाहिए ऑफिस पे या किसी भी मीटिंग पर, उनका ये मानना है। एक टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगा, जब पेरेंट्स बड़े मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बड़े हो गए संभाल लेंगे, पर नहीं, वो गलत है उनके लिए, बच्चे हम जिंदगी भर बच्चे ही रहते हैं। मतलब मुझे जब भी जाते हैं भाई एनफील्ड बाइक खुद चलाते हैं, मैं पीछे बैठ रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि इस एज में भी वो यंग फील करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि अपने ऊपर डिपेंड है, बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ये काम कर दो वो काम कर दो, ये कुछ चाहिए वो कुछ चाहिए, नहीं। 65 की एज में लव यू पापा, मैं थक जाता हूँ पर फिर भी व्लॉग में देख सकते हैं गन्ने वो तोड़ रहे हैं, मतलब गन्ने खाए भी उन्होंने, मेरे से टूट भी नहीं रहा था। 95 किलोमीटर पापा जी गाड़ी चलाकर गए प्रॉपर्टी देखने के लिए, जो अभी मैं आपको व्लॉग में दिखाया था, कार चला के 95 किलोमीटर लेके घर पे वापस आए। 3 बार उनको नींद आ गई थी क्योंकि पिछली रात को 2 घंटे सोए थे, मम्मी जी पापा जी हम बात करने लग गए थे, सिर्फ 2 घंटे नींद पूरी हुई थी। तो मैं तो कह भी रहा था पापा जी छोड़ो अगले दिन देखते हैं, मैं फिर कभी आऊँगा तब देख लेंगे, पर क्या नहीं देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, पैसे तो ना लगते हैं। वो खैर अलग बात है, वो जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, पापा जी को भी पसंद नहीं आई जगह, कोई ड्रिंक नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, कोई टोबैको कुछ नहीं, सिंपल घर का खाना खाना और काजू बादाम अखरोट ये खाना, ये दूध 2 टाइम पीना ये अच्छी बात है,
और मतलब पापा जी इतनी मेहनत करते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है, मतलब हमें ये ना लगे कि यार क्या यार मतलब हम पापा जी के लिए नहीं कर पा रहे, मतलब करते हैं पर वो आगे बढ़ बढ़ के ऐसा लगता है कि हम अभी भी छोटे हैं उनके लिए। मतलब घर पे पहुंचता हूँ कि दिल्ली में जब होता हूँ तो कहते हैं घर पे आएगा, मतलब घर पे आने वाला है तो वहाँ से निकलेगा तो फ़ोन कर दियो, ठीक है वहाँ पहुँच गया तो मिस कॉल मार दियो मैं फ़ोन कर लूँगा। वो हालांकि फ्री है पर तब भी वो कहते हैं मिस कॉल मार दियो कि मैं समझ जाऊँ तू पहुँच गया। मतलब इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं। अब एहसास होता है कि हम बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो एक माता पिता का कितना दुख और दर्द होता है, डर होता है कि बच्चा जब धरती पे आएगा फिर वो कब बोलना सीखेगा, कब पहला कदम अपना चलेगा धरती पे, कब पापा मम्मी बोलेगा, कब स्कूल में जाना होगा, कब फिर उसके 10th 12th के एग्ज़ाम होंगे, कॉलेज के एग्ज़ाम होंगे, कब वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएगा, जॉब की गुड न्यूज़ देगा, फिर मैरिज होगी, फिर उसके लिए मतलब बच्चे होंगे जो दादा दादी मतलब बनेंगे। ये सफ़र आपसे धीरे धीरे फील हो रहा है, बताते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब अब समझ आता है कि जो पेरेंट्स कहते थे कि टाइम पे आ जाओ, ये मत करो, ये मत करो, गुस्सा मत करो, वाकई में ही मतलब धरती पे सबसे सुपर हीरो जो होता है दर्जा माता पिता को दिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर सब है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पर माता पिता सुपर हीरो होते हैं जो अपने बच्चे की केयर करते हैं, साथ में फैमिली की केयर करते हैं। तो ये कह रहा था मैं जब भी मैं दिल्ली में जाऊंगा हो सके पापा के साथ व्लॉग बनाऊंगा और काफ़ी अच्छा नेचर जो भी मैं हंसाता हूँ आपको वो पापा जी से ही मुझे मिला हुआ है। ठीक है तुम क्या देख रही हो? तो यही है, लव यू पापा जी, जय श्री राम। और बस खैर बात कहाँ से कहाँ निकल आई, और मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा माता पिता कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। वाकई में कार चलाना सीखना पड़ेगा, आती है मुंबई के ट्रैफिक में संभालना, हाथ साफ करना। हाँ नहीं आती, नहीं आती, चलाकी नहीं दिखाई दी क्या यार? एक तो 4 महीने बरसात आती है, मन ही नहीं करता निकालने का कार का। दूसरा अब ये है कि रेखा है, अब रेखा को ऑटो से धक्के तो निकला सकता, तो कार से ही ट्रेवल करना है अब। मेरा प्रिंस का एक्स्ट्रा ध्यान, मेरे तो बड़े मजे आ रहे हैं, मैं तो हर चीज से बोलती चिल्लाते। अब तो मुझे चिल्लानी, अरे मैं वैसे नहीं चलाता भाई, मैं वैसे ना चलाता हूँ। चिल्लाए ये इसको चिल्लाना कहती हूँ मैं, मेरे को ऐसे भी नहीं पसंद। तुम बस मेरे को प्यार से बीबी बीबी करके बात करो। 9 महीने, हाँ 9 महीने। मैं बार बोल रहा हूँ यार अभी घूमने का है, दिन अभी चल लो, बाद में आगे 9 महीने, फिर बाद में बच्चा 2 साल तक, मतलब घूमने जा सकते हैं, पर बच्चे का 1 साल तक कहाँ ट्रेवल कराएंगे यार, 5-6 महीने के बच्चे को, 8 महीने को, तो 2-3 साल ऐसे होने वाले हैं। आप प्लीज़ जाके चल दो इंडिया से बाहर, चलो इंडिया में चल दो, चलो कहीं भी चलो, चल लो यही होता है, अकेले जाने नहीं देते, साथ में तुम जाओगे नहीं। तो प्रेगनेंसी का ये बड़ा फायदा है यार कि अपनी सारी बातें मनवा सकते हैं। आज मैंने प्रिंस से बहुत काम कराया, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो। मैं तो अभी मैं कुछ भी भारी चीज नहीं उठा रही हूँ, जबकि मैंने अभी अभी कुछ हुआ भी नहीं है तब से ही रात हो जाए। क्या पता हो गया हो, क्योंकि चेक करने के लिए तो नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ता है ना। नेक्स्ट मंथ का पीरियड अगर मेरा स्किप होता है तब कंफर्म हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट क्या पता हो गया, देखो मैं फील अभी से ला रही हूँ कि मान लो अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं कैसे ध्यान रखना चाहिए मेरा। तो मैं प्रिंस को ट्रेन कर रही हूँ, तो प्रिंस तुम्हें मुझ पे चिल्लाना नहीं है, मेरे से भारी चीज़ें उठवानी नहीं है, मेरे को बहुत सारा जूस पिलाना है, मेरा ख्याल रखना है, और एक बेबी की फोटो लानी है। कब से मांग रही थी बेबी की फोटो लाओ, मैं अभी से बेबी की फोटो देखना स्टार्ट कर दूँ। मैं अपनी फोटो के जा लूँ पासपोर्ट साइज की, वो लगा देते हैं ना, छोटे बेबी की चाहिए, दाढ़ी वाला छोटा बेबी आएगा फिर तो प्रिंस से इतने अपने नखरेज उठवाऊंगी ना, नखरे झेलने पड़ेंगे तुम्हें मेरे सारे, जो मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे प्यार करना पड़ेगा, मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो, आगे ज्यादा आ रही तुम फ्रेम के बाहर भी जा रहे हो, आगे मत आओ ना ज्यादा तुमने। क्यों तो तुम मेरे ध्यान रखोगे? हाँ रखूंगा। ऐसे की बात कर रहे हो? हाँ रखूंगा। और तुम मेरे को ख्याल करोगे? हाँ तुम मेरे को ख्याल करो, तुम मेरा ख्याल रखोगे भाई? रखूंगा ध्यान, खान पान का, सोने का, नहलाने का। किसको? बेबी को। हाँ तो वो तो 9 महीने बाद ना, अभी की बात करी, पहला बेबी होगा तो हम बहुत एक्साइटेड है, और न्यू न्यू हैंड फर्स्ट हैंड मम्मी पापा बनने वाले हैं। न्यू हैंड फर्स्ट हैंड फर्स्ट हैंड तो कुछ अभी पता नहीं है, पहले हाथ बन फर्स्ट टाइम पेरेंट तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। न्यूली न्यूली पेरेंट्स तो बहुत न्यूली बिकम पेरेंट्स। अरे बोल ले दो यार
मुझे प्रिंस का नहीं पता, वो अपनी बात खुद से यार। एक तो तुम जो चूड़ियां पहनती हो ना, मारती रहती इधर से उधर बाबू। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे प्रिंस का नहीं पता। तुम हो एक्साइटेड? हाँ भाई, पर मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, ओवर एक्साइटेड हूँ। तो एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा सब कुछ कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। बट जो भी होगा अच्छा ही होगा, भगवान कहते हैं ना, जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पर तुम्हें कुछ बातों का याद रखना है, जोर से छींकना नहीं है, जोर से खांसना। ऐसा होता है क्या ये प्रिंस? अपनी नियम भाई, खांसी नॉर्मल, छींकना ऐसा होता है अच्छी छी छी छन, ये साउंड आता है। रेखा हो क्या होता है, पहले ही मैंने बताया था। मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, मैं मानती हूँ। चलो